أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون یہ سورہ یوسف کی آیت 67 ہے 67 اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو ایک حکم دینا بیان فرمایا ہے کہ جب اپنی اولاد کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو مصر کی طرف روانہ کرنے لگے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ حکم دیا یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد جب تم مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء میں اللہ کے معاملہ میں اللہ کے مقابلہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ان الحکم الا للہ حکم تو وہ ہے جو اللہ کا ہے علیہ توکل تو میرا اسی پر توکل ہے وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے
ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत अपने बेटों को, और इस वक्त जो बेटे रवाना किए, आप सूरह यूसुफ़ पढ़ कर देखें। पहली मर्तबा अज़ीज़े मिस्र के पास गल्ला लेने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से 10 बेटे गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनको उनके भाई पहले ही एक कुएं में फेंक चुके हैं, और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुएं से निकाल कर मिस्र के तख्त पर सरफराज कर रखा है। पीछे हज़रत बिन्यामीन, ये भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, इनको हज़रत याकूब ने पीछे रोक लिया और 10 बेटे गल्ला लेने के लिए गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिन्होंने इन भाइयों को पहचान लिया, इन्हें गल्ला दिया और इन्हें पूछा कि तुम्हारे पीछे कौन है, वालिद है, कहा कि एक भाई भी हमारा पीछे है, उसे क्यों नहीं लाए, कहा कि कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, पहले हम उनके एक भाई को लाए थे तो ये हुआ वो हुआ, अपना वक्त पास किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताकीद की, कहा कि अगली मर्तबा आओ तो उस भाई को ज़रूर साथ लेके आओ, अगर उसे साथ लेके आओगे तो उसके हिस्से का गल्ला भी एक ऊँट ज़्यादा दूंगा, और अगर उसे साथ ना लाओ तो फिर तुम्हारे लिए भी गल्ला नहीं है। हल्की फुल्की प्यारी सी धमकी भी दे दी और साथ ही लालच भी दे दिया कि गल्ला भी ज़्यादा मिलेगा, ना लाए तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत में इंसानों को क्या क्या सिखलाना चाहता है, वो इंसानों ही के हवाले से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि मेरे 11वें बेटे को भी वहाँ मंगवाया जा रहा है, बड़ी मुश्किल के साथ तैयार हुए, कहा कि मेरे साथ ये मुआहदा करो, अल्लाह को दरमियान में लाकर, यानी अल्लाह को शाहिद बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर मेरे साथ मीसाक और अहदो पैमान करो कि पहले की तरह नहीं करोगे। पहले तुम यूसुफ़ को ले गए थे और कहा कि उसे भेड़िया खा गया है, अगर ये वादा करते हो, अल्लाह की कसम खाकर हल्फ के साथ मेरे साथ ये मुआहदा करते हो कि मेरे बेटे को वापस लाओगे, सिवाय इसके कि तुम सबका इहाता कर लिया जाए। सूरह यूसुफ पढ़ कर देखें, ये चूँकि नबी हैं, कहा कि ऐन मुमकिन है कि तुम सब किसी मुसीबत में, मुबतला में, कैद में घेर लिए जाओ, तो कोई बात नहीं, फिर मेरा 11वां बेटा भी रह जाए, लेकिन अगर तुम वापस आओ और मेरा बेटा वापस ना लाओ या बिन्यामीन को वापस ना लाओ, तो फरमाया कि ये नहीं होगा। अहदो पैमान लिया और साथ बिन्यामीन को रवाना करने पर तैयार हो गए। रवाना करते हुए ये नसीहत की, ये आयत 67 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, या बनिया ला तदखलू मिन बाबिन वाहिदिन, ए बेटो मिस्र जा रहे हो, वहाँ शहर के मुख्तलिफ दरवाजे हैं, तुम 11 के 11 भाई एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना। याकूब अलैहिस्सलाम को उस ज़माना में भी अपने बेटों को नज़र लग जाने का खदशा है कि 11 बेटे और ये 11 बेटे 11 भाई एक बाप की औलाद, नस्बी और सुलबी तौर पर सगे भाई एक बाप से, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन इन दोनों की माँ अलग लेकिन बाप एक, और बाप भी कौन, नबी याकूब अलैहिस्सलाम, नबियों की औलाद, सारे शहज़ादे, खूबसूरत, जसामत, काबले दीद, हुस्न व जमाल बेशुमार। किसी नबी की औलाद के बारे में तसव्वुर हम क्या कर सकते हैं, हमने तो किसी को देखा नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हुस्न व जमाल कितना था, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने अपने तौर पर अंदाजे करते हैं, कहते हैं कि मैंने एक रात चांद को देखा, 14वीं का चांद, बड़ी चमक दमक, बड़ी खूबसूरती, मैं कभी चांद को देखता हूँ, कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखता हूँ।
दोनों को बारी बारी बार बार देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे नबी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। नबी का हाल यह है जो सहाबा ने बयान फरमाया, तो जो नबी की औलाद है, बेटे हों बेटियां हों, वो भी चांद की तरह खूबसूरत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुसन तो मारूफ है ना, इंतहाई हुसन व जमाल के मालिक, इतना हुसन व जमाल के अजीज मिस्र की बीवी फरेफ्ता हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर में मुलाजिम हैं, घर में नौकर हैं, नौकरी करते हैं, यानी मर्तबे का उनके मुकाबले में कोई हाल नहीं, लेकिन हुस्न जमाल अल्लाह ने इतना दे रखा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख देख कर उस औरत के बिल आखिर इस हद तक गुनाह ने खींच लिया कि उसको दावत गुनाह दे दी है, तलक कह दिया कि यूसुफ अब आओ, अब क्या इंतजार है। कितना जमाल होगा कि जिसे बादशाह की बीवी भी इस तरह दावत दे दे। और उनके बाकी भाई वो सारे ही याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। खूबसूरत नौजवान 11 आदमी अगर एक दरवाजे से दाखिल हों तो जाहिर है कि देखने वालों की आंखों में आने का खदशा पैदा हो सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने इसलिए वसीयत फरमाई, फरमाया बेटो या बनिया ला तदखलु मिन बाबिन वाहिदिन वदखलु मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, कोई दो उस दरवाजे से, कोई उस एक उस दरवाजे से, इकट्ठे 11 के 11 एक दरवाजे से दाखिल ना होना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मिस्र वालों की नजर खा जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस वाकया में बहुत सारी दूसरी बातें, पूरी सूरह यूसुफ हमें यह बताती है कि हसद कितना नुकसानदेह है, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की वजह से अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका। हसद ने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया कि उन्हें अपने घर में अपने बाप के दाएं बाएं देखने को तैयार नहीं। हसद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुल नारुल हतब। हसद इस तरह नेकियों को भस्म कर देता है जिस तरह के आग लकड़ी को जलाकर खकस्तर कर देती है, लकड़ी जल जाए सफ़ेद रंग का जो उसका बुरादा सा पीछे बचता है उसकी को कीमत है, किसी भी काम नहीं आता, ना वजन ना उसमें जान, ज़रा सी हवा आई और ख़त्म। नेकियों का ढेर हो, दिल में हसद आ जाए तो समझो कि वो ढेर सारे का सारा भस्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इस सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों का हसद और पूरी तफसील के साथ वाक्या मौजूद है। लोगों के हसद से बचने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को एक तरीका सिखलाया, वो हमें आज भी अपनाना चाहिए। तरीका क्या है? वो रंग इख्तियार किया जाए कि किसी की नज़र ना लगे, किसी को हसद करने का मौका ना मिले। आदमी तंदुरुस्त तवाना है, खूबसूरत है, जवान है, बटन खोले हुए हैं, बाजार में ऐसे लहराता हुआ घूमता हुआ फिर रहा है, नतीजा क्या होगा? लोग देखेंगे कहेंगे कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नौजवान है, और माशाल्लाह कहने की हमें चूंकि आदत ही नहीं है, किसी अच्छी चीज़ को देखकर माशाल्लाह कहें हमारी जबान से निकलता नहीं, हम तो एक ही बात जानते हैं, वो क्या बात है भाई, कितना जवान, कितना खूबसूरत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें ये नुस्खा बता दिया कि अगर जमाल है, अगर ताकत है, अगर कोई चीज़ है तो उसे थोड़ा छपा के रखो, बचा के रखो। 11 हसीनो जमील आदमी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, उस वक़्त क्या आलम है, और अगर बिखरे हुए बट कर मुख्तलिफ तरीक़ों से आएं तो कम अज़ कम थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, हुसन बट जाएगा। 11 दरवाजों में अगर हुसन बट जाए वो कुजा, और इकट्ठे होके आ जाए तो वो कुजा। और ये नज़र उस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद है, और इसी नज़र का तज़किरा हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। सूरत अल कलम
आयत नंबर 51 और 52 में फरमाया وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ करीब है कि ये मुशरिकीन, करीब है कि ये कुफार अपनी निगाहों से आपको फिसला ले जाएं, अपनी निगाहों से ऐ नबी, करीब है कि ये मुशरिकीन मक्का अपनी निगाहों से तुम्हें फिसला दे। और लयुज़लिकूनका, फिसला दें का माना क्या है? एक माना यह किया गया है कि तुम्हें दावत और तबलीग का काम करने से रोक दें। जबकि इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सरीन ने लिखा है कि इसका माना यह है कि वो तुम्हें नज़र लगा देंगे, हसद करते हैं कि तुम पर कुरान नाजिल हुआ, तुम्हें हसद के नतीजा में नज़र लगा देंगे, तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं उमूर की बिना पर के मुशरिकीन यहूदी ईसाई, मुशरिकीन मक्का, जितने भी बेदीन गैर मुस्लिम हैं, वो सारे के सारे नबी के दर पे हैं। कोई जहर देने को तैयार है, कोई कत्ल करने को तैयार है, कोई पत्थर गिराकर आपको कुचलने के लिए तैयार। मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में, तफसीरुल कुरान करीम में जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 36 कातिलाना हमले हुए। हमारे एक हमला होता है पूरे मुल्क को तलट पलट करके रख देते हैं, वो प्री प्लान्ड हमले, वो सारा कुछ खुद किया हुआ, अपनी मर्जी से कराया हुआ, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान, मुसलमानों के इमाम, खुद नबी, और हमला करने वाले कौन हैं? काफिर, मुशरिकीन मक्का। 36 हमले कातलाना किए गए, जहर खिलाया गया, पत्थर गिराया गया, मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। किसी की नज़र, किसी का सहर, किसी का जहर, किसी का कोई भी हरबा कामयाब अल्लाह ने ना होने दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले रखी। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, आप हमारी हिफाजत में हैं, आपको कोई हासिद, कोई दुश्मन, कोई काफर आपको नुकसान नहीं दे सकेगा। लेकिन हमारी तो वो हालत नहीं है ना, हमें तो अपनों की नज़र लग जाती है, अपने प्यारों की नज़र लग जाती है। नज़र में ये शर्त है कि अगर माशा अल्लाह, बारक अल्लाह फीक, बारक अल्लाह अलैक, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सूरह कहफ में माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कलिमात ना कहें, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बीवी हो, चाहे शौहर हो, चाहे कोई भी कितना अजीज रिश्तेदार क्यों ना हो, दिल से खुश होके बगैर माशाल्लाह के ये कलिमात कह दें कि क्या मेरी बीवी खूबसूरत लग रही है, इतना कह दें बीवी लपेट देंगे। आप कह दें कि ये देखो मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, बच्चा लिपट जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत की आधे से ज्यादा मौतें, 50% से ज्यादा मौतें नजर के नतीजा में वाकई होती हैं। नज़र इतनी नुकसानदेह है कि 50% से ज़्यादा मौतें हम देखते हैं कि अभी बिल्कुल हमारे पास से बैठा हुआ मस्जिद से निकला है और जाते जाते क्या से क्या हो गया। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि सारे मेडिकल टेस्ट हो गए, बातनिया का, जाहरिया का, सदरिया का, दिमाग का, बोल बराज, ब्लड, जितने भी टेस्ट हो सकते हैं सारे हो गए। डॉक्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल तंदुरुस्त, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं, लेकिन वो चारपाई से लगा हुआ है, उठ ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा? मेडिकल ने पूरी तरह प्रूव कर दिया कि इस आदमी को कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, तो हम समझते हैं कि बच कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो है उसकी तरफ हमारे कभी ध्यान ही नहीं जाता।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधी से ज़्यादा मौतें नज़र की वजह से, और ये नज़र नबियों को लग सकती है, नबियों की औलाद को लग सकती है, हम कौन हैं। लेकिन हमारे लोगों में ऐसे लोग भी हैं, इंसान बड़ा अजीबुल फितरत इंसान है, मानने पे आए तो कुछ भी मान जाए, इनकार करने पे आए तो किसी चीज़ का भी इनकार कर दे, मानने पे आए तो पत्थर को खुदा मान ले, ना मानने पे आए तो खुदा की ज़ात को ना माने। कहते हैं जिन कोई चीज़ नहीं, अब ना मानने की बातें सुने, जिन कोई चीज़ नहीं। अल्लाह वालों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरतुल जिन नाजिल फरमाई, पूरी सूरत का नाम सूरतुल जिन है। जिन कुछ नहीं, कहेंगे जी जादू कुछ नहीं, कुरान करीम की आखिरी दो सूरतें जादू के इलाज के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का वार किया गया इलाज के लिए दो सूरतें नाजिल हुई। हत्ता कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि ये कुरान नहीं, ये दम है। उनके पास जो मुसहफ था उसमें उन्होंने ये दो सूरतें नहीं लिखी हुई थी, ये अलग लिख के रखी हुई थी, कहा कि ये दम है, ये कुरान नहीं। लेकिन पूरी उम्मत इस्लामिया का फैसला उनके खिलाफ है कि ये कुरान भी है और दम भी है। सूरत अल बकरा आयत 102 पढ़ कर देखें, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, ये किस बात में कुफर है, क्या चीज़ है। युअल्लिमून अन्नास सिहर, वो हारूत व मारूत, वो जिन, वो भूत जो उस वक़्त इस मामला में बहुत बड़े हुए थे, बल्कि उस वक़्त के लोग वो क्या करते थे, जादू करते थे। युअल्लिमून अन्नास सिहर, वो जादू सिखलाते थे। अक़ल के घोड़े दौड़ाने वाला कम अक़ल कहता है कि जादू कोई चीज़ नहीं, इसी तरह कहता है जिन कोई चीज़ नहीं, और कुछ लोग कहते हैं ये नज़र वज़र कुछ नहीं होता, इसका इनकार करने वाले भी हमारे लोगों में मौजूद, कहते हैं नज़र कोई चीज़ नहीं। बल्कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि आदमी जब छींक मारता है तो उसके नतीजा में ये जो तुम कहते हो ना नज़र लग गई है, आदमी का जिस्म लपटा गया, आदमी को कोई बीमारी लग गई, आदमी को ये हो गया, ये छींक के नतीजा में होता है। इस आदमी की, इस अहमक की बात माने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी और सही मुस्लिम फरमा रहे हैं अल आयन हक, नजर लग जाना हक है, नजर बर हक है। नबी कहे नजर लग जाती है, ये कहता है छींक आने से ऐसा होता। छींक तो बीमारी नहीं, बल्कि छींक तो सेहत की निशानी है। यहाँ हमारे हकीम साहब कहाँ गायब हो गए हैं। छींक को मेडिकली तौर पर बीमारी नहीं, सेहत की निशानी बताया गया। छींक मारने वाले को क्या कहने का हुक्म है, अगर कोई छींक मारे तो क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी पे कहा जाता है या अल्लाह की नेमत या सेहत मिलने पर। छींक मारने से जिस्म के सारे जोड़ एकदम ताज़ा और फ्रेश आप महसूस करते हैं, ये तो आपकी और मेरी मुश्तरका बातें हैं। छींक आती है, सारा जिस्म खुल जाता है, आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आ जाए तो कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आ जाए, तीन मर्तबा छींक आ जाए तो ये सेहत की निशानी, और अगर चौथी मर्तबा, पांचवी मर्तबा, छठी मर्तबा आती ही चली जाए तो ज़ाहर है कि हसबे ज़रूरत हो तो रहमत, और थोड़ा सा बढ़ जाए तो जहमत। बारिश हो, छींके हों, कुछ भी हो, जब तक मकदार के अंदर रहे रहमत, मकदार से ज़्यादा हो जाए जहमत। सहाबी ने छींक मारी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने फरमाया यरहमकल्ला। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा आपने फरमाया इन्ना कमज़कुम, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह ना कहते जाओ, तुम्हें ज़काम हो चुका है, अपने ज़काम का इलाज करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छींक को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए सेहत और नेमत बताएं, और इसने कह दिया कि ये नज़र जो है वो नहीं है, बल्कि छींक के नतीजा में ये तकलीफ आती। इस तरह कोई नज़र का इनकार करने वाला, कोई सेहर का इनकार करने वाला, कोई जिन का इनकार करने वाला, इन लोगों को अल्लाह ताला हदायत दे। कुरान में
सेहर का, कुरान में जिन का, कुरान में नजर का। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को ये वसीयत क्यों की? ला तदखलु मिन बाबिन वाहिद, ताकि लोगों की नजर ना लग जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया लयुज़लिकूनक, ऐ मेरे नबी ये मुशरिकीन कोशिश करेंगे कि अपनी निगाहों से तुम्हें फिसला दें, यानी तुम्हें बीमार कर दें, तोड़ दें, बांध दें, जैसा कि नज़र के नतायज सामने आया करते हैं। कुरान बार बार बता रहा है कि नज़र है। सही बुखारी सही मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नज़र है। और हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया रसूल हैं, उनके बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उनके बच्चे कमज़ोर कमज़ोर नज़र आते हैं। और हज़रत उम्मे उमैस के बच्चे कौन हैं? जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो के बच्चे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई के बच्चे। जाफ़र बिन अबी तालिब और अली बिन अबी तालिब कहें तो रिश्ता समझ में आता है या नहीं? हज़रत अली बिन अबी तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद, ये मशहूर है ना, दामाद और चचाजाद। और ये जाफ़र बिन अबी तालिब दामाद नहीं लेकिन चचाजाद भाई हैं। हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या बात है कि मेरे भतीजे बड़े कमज़ोर कमज़ोर नज़र आते हैं, वजह क्या है, क्या इनको कुछ होता है? हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं या रसूलल्लाह आपके भतीजों को नज़र लग जाती है, आपके भतीजों को नज़र लग जाती है। अब ज़ाहिर है कि ये भी कौन सा ख़ानदान है, ये भी ख़ानदान नबूवत है। अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, ये बच्चे भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई से भतीजे लगते हैं, ये भी खूबसूरत होंगे, यकीनन खूबसूरत होंगे। यकीन माने कि कभी कभी मैं काले रंग के शाह साहब देखता हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब आता है। यहाँ हमारे पाकिस्तान इंडिया में कभी कभी शाह साहब तो कहेंगे शाह साहब रंग काला सांवला सा, तो मुझे ताज्जुब आता है कि पता नहीं ये शाह साहब हैं या नहीं, हम भी कह रहे हैं, लोग भी कहते हैं, ये कहने को तो शाह साहब हैं लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर गौर किया जाए तो लगता है कि दरमियान में कहीं पता नहीं अल्लाह आलम कहीं कुछ मिलावट सिलावट ना हो गई हो, वरना सैयद को खूबसूरत होना चाहिए। उस ख़ानदान का फ़र्द काफिर, उस ख़ानदान का फ़र्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला गुस्ताख कौन? अबू लहब। ख़ानदान तो वही है ना, अबू लहब गुस्ताखाने मुस्तफ़ा में से पहला गुस्ताख, लेकिन खूबसूरत कितना है। उनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, उनके चेहरे उनके गाल जैसे आग का बड़ा कोई अंगारा लाटे मार रहा होता है, इस तरह उनके ये गाल जो हैं लाटे मारते थे, इसलिए उनको अबू लहब कहा गया। वहाँ तो इतनी खूबसूरती, और हमारे शाह साहब काले रंग के होते हैं, अल्लाह ताला इन शाह साहबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। रंग काला ऐब नहीं, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ज़मीन पर चलते उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनी गई। सही बुखारी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बात रंग की नहीं, रंग अल्लाह के दिए हुए, लेकिन ख़ानदान ख़ानदान नबूवत और रंग काला, यहाँ आके थोड़ा सा गड़बड़ होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे कमज़ोर कमज़ोर देखा, पूछा क्या भाभी क्या बात है, ये मेरे भाई के बेटे कमज़ोर क्यों हैं? कहा कि इन्हें नज़र लग जाती है। आपने फरमाया कि इन्हें दम किया करो, इस तरकीहम, इन्हें दम किया करो। और नज़र का दम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हमें आता नहीं, भागते हैं डॉक्टर साहब के पास, भागते हैं हकीम साहब के पास। भाई डॉक्टरों हकीमों के पास जाना मना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीम साहब आज कोई नहीं लगता, वो नहीं सुन रहे, हकीमों के पास जाना मना नहीं, डॉक्टरों से दवा लेना मना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं मा अनज़लल्लाहु मिन दा इल्ला अनज़ल लहू शिफा इल्ला अनज़ल लहू दुआ, अल्लाह ने जो बीमारी नाजिल फरमाई है उसकी दवा और शिफा भी नाजिल फरमाई है, दवा ले लें कोई हर्ज नहीं,
लेकिन कम से कम ये तो देखें कि हमें बिल्कुल घर के अंदर सैदलिया रहमानिया, अल्लाह ताला की दी हुई फार्मेसी जिसमें दुआएं फ्री मिलती हैं, कुरान पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ मांगें, बच्चे को नज़र ना रहेगी, बीवी को नज़र ना रहेगी, भाई को नज़र ना रहेगी, बहन को नज़र ना रहेगी, डॉक्टरों के पास भागने की क्या ज़रूरत, फरमाया दम किया करो। और नज़र से बचने के लिए कुछ पेशगी अमूर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। पेशगी अमूर क्या है? सबाह व मसा, सुबह और शाम के अज़कार, सुबह उठो अज़कार करो, शाम उठो अज़कार करो। नज़र से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि पांचों नमाजों के अज़कार और सुबह शाम के अज़कार ना भूलें, आपको ना नज़र लगेगी, ना हसद, ना किसी का तावीज़ गंडा और ना कोई जादू, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। जादू के इलाज के ज़मन में यहाँ एक दर्स के तहत मैं ये बातें जिक्र कर चुका हूँ, अगर आपने सुबह फजर की नमाज पढ़ी और जिक्र किया, तीन मरतबा कहा बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस्समा वहुवस समीउल अलीम, तीन मरतबा ये कह लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरज ग़ुरूब होने तक कोई नज़र, कोई सहर, कोई कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। अब हम ही कुछ ना करें तो कीड़ा, बिच्छू, नज़र, सहर वाले भी तो काम कर रहे हैं। शहर वाले, तवीज़ गंडों वाले आजकल पाकिस्तान इंडिया में तो बिफरे फिर रहे हैं, जिसे रोटी खाते देखा उसी को नज़र लगा ली, जिसे देखा कि इसके पास चार पैसे हैं वो इतना बड़ा मकान बना लिया। हमारे यहाँ ये आजकल बड़े ज़ोरों पर, कारोबार अच्छा है उसके लिए दौलत है, उसके लिए औलाद नेक है, उसके लिए औलाद लायक है, नेक ना सही लायक हैं, हर बच्चा हर साल बेहतरीन नंबर लेकर पास आ रहा है, यकदम बच्चे जो हैं वो स्कूल से भागना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे लोग हमला करने के लिए रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबाह व मसा, सुबह और शाम के अज़कार करो, नमाज़ों के बाद अज़कार करो, और बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समा वहुवस समीउल अलीम, आऊज़ु बिकलिमतिल्लाहित तामाते मिन शर्रि मा खलक, मुख्तसर तीन मरतबा ये कहें, तीन मरतबा ये कहें, मामला अल्लाह के सुपुर्द करें, कोई नज़र, कोई सहर, कोई दम, कोई जादू, कोई टूना, कोई चीज़ नुकसान नहीं दे। लेकिन हम ये नहीं करते। अगर किसी को देखें, खूबसूरत देखें, मालदार देखें, किसी को बड़ा तनोमंद सेहतमंद देखें, बिस्मिल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें, बारक अल्लाह फीका कहें, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें, मुख्तलिफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे ये अज़कार हमें सिखलाए हैं। और यहाँ अरबों में ये बहुत अच्छी आदत मौजूद है कि आप देखेंगे आपके साथ, आपकी उंगली के साथ बच्चा चल रहा है, पकड़ेंगे, चूमेंगे, सलाम करेंगे, एक मरतबा नहीं, आप गिन कर देखिए, दो तीन चार पाँच मरतबा कहेंगे माशाअल्लाह तबारकअल्लाह, माशाअल्लाह तबारकअल्लाह, नज़र कहाँ से आएगी। और जब हमने देखा कि बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के जा रहा है, खूबसूरत है, खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, अंदर ही अंदर जलन, तकलीफ़, और कहा कि क्या बच्चे को खिला रहा है, वो क्या बच्चे को खिला रहा है, वो बच्चे बेचारे को घर जाके चारपाई पर लिटाना पड़ जाता है। अगर सिर्फ ज़बान से माशाअल्लाह कह दें तो क्या होगा। और ये नज़र अंबिया ने अपने बेटों को, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि एहतियात करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ये नज़र थी, लग जाती थी। एक सहाबी नहाने लगे, सुहैल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुअत्ता इमाम मालिक और सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक दोनों किताबों में सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। नहाने लगे, ऊपर का कपड़ा निकाला, ज़हरा के नीचे को कपड़ा होगा, एक साहब पास से कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने इतना खूबसूरत जिस्म आज तक नहीं देखा। सहाबी हैं, ख़ता वहाँ भी थी, कोताही वहाँ भी थी,
माशाल्लाह नहीं कहा, कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म मैंने कभी नहीं देखा। ये बात कही, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो सहाबी अभी कपड़े उतार रहे हैं, वो गिरे और लिपटना सिमटना शुरू हो गए, वो पकड़े गए, नज़र खा गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला पेश किया गया, पूछा अततहमुना अहदन, क्या तुम किसी पे इल्ज़ाम देते हो, किसी ने कुछ खिलाया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ कहा है? उनका बेटा कहता है या रसूलल्लाह, हम किसी को इल्ज़ाम तो नहीं देते, लेकिन एक शख्स नाम लिया कि फलां आदमी ने ये अल्फाज कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे लाओ, उसे कहो नहाए या कम से कम वुजू करे, नहाए या वुजू करे, और वुजू के आज़ा जो हैं हाथ चेहरा पाँव, और फरमाया मिन दाखिले इजारे, यानी अपने जिस्म के कुछ दाखिली अज़ा जो हैं, ख़ास तौर पर बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा, उलमा ने लिखा कि जो ये सुरीन है पीछे, इन सुरीनों को भी अच्छी तरह धोकर पानी जो है उसमें शामिल करें। इस पानी को फरमाया कि जो गुसल का बचा हुआ जूठा पानी है या वुजू का जूठा पानी है, इस पानी को उस आदमी के ऊपर बैठा गिरा दें, उंडेल दें जिसको नज़र लगी है। हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि वो आदमी इस तरह तंदुरुस्त तवाना होकर खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। नज़र लगने से पहले अज़कार, और एक एहतियात ये भी बताई गई है कि अगर किसी को अल्लाह ने हसीनो जमील बनाया है तो अपने हुस्नो जमाल को ज़रा संभाल के, ज़रा ढांप के रखो। कुछ लोगों को आदत है बच्चा बड़ा खूबसूरत है उसको खूब बना के संवार के बाहर लेके जाएंगे, भाई बच्चा अल्लाह पाक ने खूबसूरत दिया है, ज़रा थोड़ा बचा के रखो। औरत खूबसूरत है, वो अपना लिबास अपना बन ठन कर जो शौहर के पास होना चाहिए वहाँ नहीं, लिबास जेवरात मेकअप ये वो जितना कुछ मिल सकता है वो सारा मल के कहाँ पार्टी में। और हमारी पार्टियाँ मिक्स होती हैं, उसमें साहब भी होते हैं बेगमात भी होती हैं। जब अपनी बेगम साथ हैं तो दूसरों की ये देख रहा है, दूसरे इसकी देख रहे होते हैं, वहाँ तो यही होगा ना कि इसे दूसरों की और दूसरे इसकी, एक खुली हुई इतनी फहाशी किस्म की उन मजलसों में कि कभी ऐसा है कि साहिब को अपनी बेगम कहीं नज़र ही नहीं आ रही, वो किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं, वो किसी के साथ। इस किस्म की मजलसों में बन ठन कर जाने वाला वापस आने पर अगर महसूस करे कि सर में दर्द हो गई, कमर में दर्द हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो समझें कि कोई बीमारी नहीं, किसी की नज़र लग गई होगी। और फिर आज फहाशी इस अंदाज से बढ़ रही है कि अगर हदूद के अंदर किसी ने मेकअप किया हुआ है, औरत को अल्लाह ने इजाज़त दी है, औरत को अल्लाह ने जेवरात पहनने, रेशमी खूबसूरत लिबास पहनने और जितना भी चाहे श्रृंगार करने इसकी इजाज़त दी है, करे। आज इतनी फहाशी आम होती जा रही है, उरियानी आम होती जा रही है कि औरत बन ठन के आधे से भी कम लिबास पहनकर जब लोगों में जाएगी, जिस्म का आधा या कमोबेश आधा हिस्सा नंगा होगा, खूबसूरत है वैसे ही, मेकअप किया हुआ है उस पर नूरन अला नूर, और नीम नंगी होकर जब लोगों में जाएगी इसे नज़र नहीं लगे तो क्या होगा। मौलाना इकबाल सल्फी साहब का केसर यहाँ तकसीम होता रहा है, आपको याद होगा रावलपिंडी के इकबाल सल्फी साहब, दो केसट उनके इकट्ठे एक दरस, जो कहीं ख़वातीन को दरस दिया उन्होंने, और सवाल करने वाली कोई ख़ातून है और यकीनन पर्दे में होगी क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कैसे हुई, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सवाल औरत पूछती है जवाब मौलाना दे रहे हैं, उन्होंने उसमें कुछ बातें ऐसी कही हैं कि ना सिर्फ नज़र बल्कि जो अमूमन औरतों को जिन चिमट जाता है उसका सबब भी यही, बन ठन के खूबसूरत कहते हैं, लंबे लंबे नाखून रखे हुए हैं उनके कलिमात मौलाना के, लंबे लंबे नाखून रखे हुए हैं, खूब पॉलिश किए हुए हैं, इतना लंबा नाखल है जिन घूम के आता है नाखून के अंदर से ही अंदर चला जाता है।
और शोर मच गया जी, खातून को जिन चिमट गया। ये जिन जो है ये तो बहाने तलाश कर रहा है कि इंसान के अंदर कब जाऊं। बेवुजू रहे, बेनमाज रहे, बेदीन हो, जिन उसको चिमटेगा। नमाजी परहेजगार बावुजू रहे तो उसे जिन, उसे तावीज़ गंडे, इन चीज़ों के असरात जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी पर पानी उंडेलने का हुक्म दिया, सहाबी तंदुरुस्त तवाना हो गया, खड़ा हो गया। उलमा ने ये लिखा है कि अगर किसी आदमी के बारे में ये मशहूर हो जाए, कुछ लोग मशहूर होते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ आदमी की नज़र बड़ी तेज़ लग जाती है, एक आदमी को ज़रा गौर से देखा वो फटक गया। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी के बारे में ये पता चल जाए कि इसकी नज़र लगती है, उसे बंद कर दो। अब बंद मैं तो नहीं करूँगा ना, ना आप करेंगे, बंद कौन करेगा? हाकम वक्त, हाकम वक्त के नुमाइंदे। और बंद करो का माना ये नहीं कि वो मुजरम है, उसे जेल में डाल दो, उसे उसके घर में नज़र बंद कर दो, और साथ ये भी नहीं कि उसे घर में नज़र बंद कर दो वो भूखा मर जाए। साथ लिखा है कि उसके जितना ज़राए माश है उसकी रोज़ी रोटी के सिलसिला में तुम जिम्मेदार हो। लोगों को उसके शर से महफूज रखने के लिए उसे घर में रोक दो कि भाई तुम्हें काम के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में रहो, तुम्हारा सुबह शाम का खाना या तुम्हें राशन जो है वो पहुँचता रहेगा। इतना ख़तरनाक होता है जो आदमी नज़र लगाने वाला, और लगाता सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही, दिल में हसद, आंखों में भूख और ज़बान से कलमे का ना निकलना, माशाल्लाह तबारक अल्लाह का ज़बान से ना निकलना, इसके नतीजा में नज़र लगती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को दम किया करो, अपने बच्चों को दम किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को दम किया करते थे, और वो दम की जो दुआ है कुतुब हदीस में मारूफ है। आखिरी कुल दोनों बल्कि तीनों ले लें मुआवज़ात, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास। और अगर शुरू से लें तो सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा जो हर तरह की बीमारियों से शिफा है, उसका नाम ही शाफिया है, अल्लाह के हुक्म से शिफा देने वाली अल्लाह का कलाम। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, जिसने दो पढ़ ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए काफ़ी हो गई। शुरू में सूरह फातिहा, दरमियान में सूरह बकरा की आयतल कुर्सी आयत नंबर 255, आखिरी दो आयतें, आगे गुजरते जाएं आखिरी तीनों चारों कुल, ये पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह नज़र नहीं रहेगी, सेहर नहीं रहेगा। और कुछ आयतें और भी हैं, सूरह मोमिनून की आखिरी आयतें, सूरह हशर की आखिरी चार चार आयतें, इनको भी शामिल कर लें, अल्लाह के अस्मा का तज़करा है वहाँ, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दम किया वो ज़हन में रख लें, छोटी सी दुआ है। बाल बच्चों वालों को तो वो ज़रूर याद कर लेनी चाहिए, और जो बाल बच्चों वाले अभी नहीं तो कल को होने वाले हैं इंशाअल्लाह, शादियाँ करेंगे, उनके भाई हैं, बहनें हैं, भतीजे भतीजियाँ हैं, उनको दम करेंगे, बीवी को करेंगे। ओइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामात मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्लि ऐनिल लामा, ये दुआ है। हसन और हुसैन दोनों थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों हज़रत इस्माईल और इसहाक, इन दोनों को भी दम किया करते थे, और वही दम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को किया, वही दम हमें करना चाहिए। आपने ओइज़ो को माँ फरमाया कि तुम दोनों को मैं अल्लाह की पनाह में देता हूँ, और अगर एक बेटा है ओइज़ो का, बेटी है, बीवी है, बहन है, ओइज़ो के, दो चार छः लोगों को बिठाया हुआ है, ओइज़ो कुम, जैसा भी है, ये तो कोई इतनी लंबी अरबी दानी नहीं है ना, एक के लिए ओइज़ो का मज़क्कर, मोनस है ओइज़ो के, मज़क्कर मोनस दोनों हैं, ओइज़ो कुमा जैसा कि इस दुआ में है, और अगर ज़्यादा हैं, मजमुआ है, तीन या तीन से ज़्यादा है, तो ओइज़ो कुम बिकलिमातिल्लाहि तामाते मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्लि ऐनिल लामा। ये दम सीखें, ये बच्चों को, अपने घर वालों को, अजीज़ों को दम किया करें, और
दम करवाने के लिए अगर खुद नहीं करते, करवाने के लिए ही जाना हो तो किसी सही आदमी के पास जाए। हमारे पाको हिंद में, बल्कि यहाँ भी कहीं कहीं दुकानदार हैं, दुकानें खोली हुई हैं, पैसों के हिसाब से दम करते हैं। किसी ने देख लिया कि ये क्या देने वाला है तो उसको इतना सा दम, किसी को पता है कि ये ज़रा मालदार आदमी है कुछ अच्छा देगा तो इतना लंबा दम। जितना पैसा सामने वाले के हाथ में या जेब में नज़र आता है उसी हिसाब से दम करने, ये कारोबारी दम वाले। किसी मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी जो किताब व सुन्नत को जानने वाला है और किताब व सुन्नत के हवाले से दम करता है, उसे तलाश करें। शाबदाबाजों, जादूगरों कितने लोग हैं, वो दम करने से पहले कहेंगे जी आपकी अम्मा का नाम क्या है। ये जिन वाले, जिस दिन ये यहाँ जादू का दरस था उस दिन भी ये बात मैंने जिक्र की थी। जादू का ही नहीं, नज़र लगी हुई है, दम करना चाहता है, पूछ रहा कि तुम्हारी अम्मा का नाम, नज़र इसको लगी है, इसकी अम्मा का कहाँ मामला है। जिसे नज़र लगी है उसे दम करो, फूंक मारो तो उसे, पढ़ो तो उसके लिए। अम्मा बेचारी पर्दादार घर में पड़ी है, तुम्हें नाम लेके चस्का लेने की क्या ज़रूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने का हुक्म दिया, लेकिन कतन साबित नहीं है कि आपने कभी पूछा हो कि इसकी माँ का नाम क्या है। सल्फ सालहीन उम्मत से ये बात साबित नहीं है। ये जितने जिन्नात को अपने काबू में लेकर सेहर और जादू के जरिए सीधा या उल्टा दम करने वाले हैं, वो माओं के नाम पूछते हैं, उनसे बचें, उनसे परहेज़ करें। और नज़र लग जाए तो अगर पता चल जाए कि उसकी नज़र है तो ज़ाहरा कि उसका इलाज कर, उसको नहाएंगे, उसका वुजू लेंगे, और अगर पता नहीं चलता तो ये दुआएं करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को, अब बड़ी पार्टी में गए वहाँ किसकी नज़र लग गई, बेशुमार लोग आए हुए थे। मस्जिद में आए किसकी नज़र लग गई, कोई पता नहीं। बाज़ार में गए किसकी, पता चल जाए तो उसे नहलाएं या गुसल करवाएं या वुजू करवाएं, और अगर पता नहीं चलता तो कुरान और सुन्नत की दुआएं पढ़ के दम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा। बहरहाल एक दम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी बड़ा मारूफ है कुतुब हदीस में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दम किया बिस्मिल्लाह अरकीक, बिस्मिल्लाह अरकीक मिन कुल्ले शैइन योज़ीक व मिन शर्र कुल्ले नफ्सिन व ऐन हासिदिन अल्लाहु यशफीक, बिस्मिल्लाह अरकीक। शुरू में भी बिस्मिल्लाह अरकीक और आखिर में भी बिस्मिल्लाह अरकीक। ये दम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया था। वो दम आज हम अपने बच्चों को करें तो कितनी ही अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और कुछ नज़र जो है, एक नज़र इंसान की है और एक नज़र जिन की भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों में से कुछ बच्चों को, एक घर में आप गए, एक लड़की को देखा कि उसके चेहरे पर कोई एक निशान सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी हैं, हकीमुल उम्मत भी हैं, नबी भी हैं, आपने पहचान लिया कि इसको नज़र लगी हुई है। और नज़र के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया साफ़ा, जिसके बारे में बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि इंसान की नज़र लगे तो या नज़रा या ऐनुन, और अगर जिन की नज़र लगे तो साफ़ा। फरमाया कि इस लड़की को जिन की नज़र लगी हुई है, इसे दम करो। तो इसका माना ये हुआ कि नज़र जिन की भी लग जाती है। अपने लोगों से भी हुस्न व जमाल, दौलत व माल को ज़रा थोड़ा बचा के रखें, संभाल के रखें, छुपा के रखें, जिन्नों से भी। जिन की जिस्म को नज़र कैसे लगेगी, जब आदमी बेतहाशा बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस पढ़े, बाथरूम में गया, कपड़े उतारे, जिन्नों की नज़र लग गई। घर में कपड़े बदलने लगा, ज़ाहरा है अकेला है, कपड़े बदलने लगा, सारे कपड़े उतार के फेंके, दूसरे बदलने हैं, एक मरतबा सारा जिस्म नंगा हो गया, शर्मगा नंगी हो गई। अगर इस मौका पर भी और बाथरूम में जाकर कपड़ा उतारने से पहले भी दुआ कर ले बिस्मिल्लाह, सिर्फ बाथरूम में जाए तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस भी कहे, लेकिन कपड़े सिर्फ बदलना चाहता है तो सब कपड़ा निकालने से पहले बिस्मिल्लाह कह ले, उसे इंशाअल्लाह जिन की नज़र नहीं लगेगी। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरमाते हैं,
ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، بنی آدم کی شرمگاہوں اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ کیا ہے؟ اذا دخل الخلاء، جب اذا دخل احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو، اور بعض روایت میں ہے کہ جب وہ کپڑے اتارنے چاہے، بدلنا چاہے، ان یقولا بسم اللہ، صرف بسم اللہ کہہ لے، کپڑے بدلے، کپڑے اتارے، باتھ روم میں جائے، انشاءاللہ اس کو جنوں کی نظر بھی نہیں لگے گی. نظر جن کی، نظر کسی بھی چیز کی ہو، اس کے لیے دم، اذکار اور قرآن کریم، ان چیزوں کو پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز نظر جائے گی. اور پہلے پڑھ کے رکھیں، احتیاط کر کے رکھیں، اذکار کر کے رہیں تاکہ نظر لگے ہی نہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو بری نظر والوں سے محفوظ رکھے. بری نظر لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ہمارے بھائیوں نے ابھی دیکھیں آج مسجد کتنی ٹھنڈی ہے، ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو بے شمار دولتوں سے نوازے. میں نے بتایا تھا کہ 25,000 کا انہوں نے اسٹیمیٹ دیا ہے. ہمارے بھائیوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو 25,000 اکیلا آدمی آسانی سے دے سکتا ہے. الحمدللہ ایک بھائی 35,000 ریال ایک آدمی کو پکڑا کے گئے کہ اپنے اسی صحیح کراؤ. دعا کرو سارے کہ اللہ رب العزت ان کو بے شمار برکتوں سے نوازے. دوسرے نے کہا کہ جتنا پیسہ 25 کہتے ہو 30 چاہیے، میں دیتا ہوں. اللہ رب العزت ان کی دولت میں برکت عطا فرمائے. اور جو جیب کو دبا کے پکڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جیب کو ذرا نرم کرے فی سبیل اللہ کاموں کے لیے. پیسہ اندر بہت ڈالے لیکن فی سبیل اللہ کاموں کے لیے جیب کو ذرا، یا اوپر ڈالے ہوئے ہاتھ کو ذرا نرم کرے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. آپ کے سامنے یہ مثالیں ہیں. وہ میرے بھائی یہاں ہیں، میں ان کے نام اب نہیں لینا چاہتا کیونکہ پچھلے درس میں میں نے ہی کہا تھا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ میں 5,000 دے کر. اب 5,000 دے کے آیا ہوں. ہمارے بھائیوں نے 25-25, 30-30, 35-35,000 ایک ایک آدمی نے دیا. اور یہ ایک نہیں، کتنے اور لوگوں نے دیے ہیں. انشاءاللہ یہ مسجد کے پنکھے ونکھے، اے سی، مسجد آج بھی الحمدللہ ٹھنڈی ہے اور آئندہ ٹھنڈی رہا کرے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت جس جس نے جتنا بھی تعاون کیا ہے، اور یہ اللہ کے گھر کا تعاون، کسی ایک آدمی کا نہیں. اور دو آدمی دو کا میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ ان کو تعاون کر دیں، ان دونوں آدمیوں کو انہوں نے بڑا آرام سے چھپ کے آ کے پیسے دیے ہیں، کسی دوسرے آدمی کو پتہ نہیں. اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے اس عمل کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط جگہ پہ پیسہ لگاتے ہوئے پیسے کو بھی نظر لگ جاتی، ایسے ہی بے موقع بے وجہ پیسہ اڑائے چلا جا رہا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی وہ بڑا ہے اس کے پاس، اس کے بھی اللہ لال پیسے اٹھا لیتا ہے. کیسے اٹھا لے گا وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس طرح کے کاموں میں پیسہ دینے سے انشاءاللہ نظر نہیں لگتی. کہتے ہیں کہ اچھا ایک اعلان ہے، ٹائم ذرا کم رہ رہا ہے. یہ اگلی بدھ کی رات جو آ رہی ہے نا، اس میں یہاں اسلامک سینٹر میں جو درس ہوتا ہے میرا ہر ہفتے بدھ کی شام عشاء کے بعد، اس جگہ اسی وقت میں میری بجائے فضیلت شیخ مولانا مقصود الحسن فیضی صاحب کا درس ہوگا، اور بڑے اہم موضوع پر ہوگا. کہتے ہیں کہ یہاں تو لکھا بڑے اہم اور نازک موضوع پر ہے، اتنی نزاکت وزاکت کچھ نہیں ہے، اہم اسلام کا ہر حصہ ہی اہم ہے. نزاکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا نرم و نازک موضوع ہوگا. مولوی نرم و نازک کہاں بات کرتے ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، یہ ہے، یہ نرم و نازک کہاں. بدتی کو کہیں گے کہ تم بدتیں کیوں کرتے ہو، وہ تو تڑپے گا، اسے نرم کہاں لگے گا یا نازک کہاں لگے گا. موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا اور انشاءاللہ اچھا موضوع ہوگا. لہذا جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہاں پہنچیں. عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:30-9 کے درمیان درس شروع کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ایک گھنٹہ ہوتا ہے. مہمان ہیں، شاید ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بھی وہ ٹائم لے لیں. گاڑیوں پر ماشاءاللہ اور گھروں پر ماشاءاللہ، گھروں پر ماشاءاللہ نہیں، گھروں پر دروازوں میں لکھا ہوتا ہے ہاذا من فضل ربی. ساری عمر رشوت سود کا پیسہ کما کے مکان بنایا اور دروازے پہ لکھا ہے ہاذا من فضل ربی. اب اگر سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے یہ کوٹھی کھڑی کی ہے اور دروازے پہ ہاذا من فضل ربی لکھا ہے، تو کیا یہ سچی بات ہوگی؟
लोगों को तो धोखा दे सकते हो, उसे कैसे धोखा दे जिसके नाम पे ये फजल लगा रहे हो। ये हमारे पंजाबी भाइयों ने कहा, ये हाजा मिन फजल रब्बी नहीं, हाजा मिन फजल वड्डी। पंजाबी में रिश्वत को वड्डी कहते हैं, कहते हैं कि यहाँ हाजा मिन फजल रब्बी ना रखो, हाजा मिन फजल वड्डी लिखो कि तुमने तो रिश्वत ले लेके ये मकान बनाए। लेकिन अगर माशाल्लाह और घर में गाड़ी में किसी जगह भी अगर लिख कर भी लगाते हैं तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है, कोई देखेगा तो कहेगा माशाल्लाह। ताहम बाज़ लोगों ने कहा कि कुरानी आयात जो पूरी आयात हैं उनको गाड़ी में पीछे स्क्रीन पे मोहन लगा देते हैं, ना लगाया जाए तो अच्छा है ताकि किसी तरह बेअदबी का पहलू ना निकले। सुनता हूँ कि जो आदमी झाड़ फूँक नहीं करवाता वो आदमी अर्श के साए के नीचे रहेगा, इसकी तशरीह करें। जो सही बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सारी उम्र दवा दारू नहीं करवाता, झाड़ फूँक नहीं करवाता, सिर्फ व अल्लाह है या तवक्कलून, उनकी सिफत यह है कि वो सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कल। डॉक्टर से जाके दवाई ले आओ, सर में दर्द हुई तो डॉक्टर के पास, मौलवी ने कहा दम करवा लो तो नहीं, मैं दम नहीं करवाता, मुझे अरशे लाई का साया, ऐसे साया नहीं मिलेगा। अगर एक तरफ से दवाई ले रहे, एलोपैथी चल रही है और ये सैदलिया रहमानिया की दवा नहीं चाहिए, इस तरह नहीं। अगर कोई अल्लाह पे तवक्कल करता है, वाकई कोई दम दवा कुछ नहीं करता, बीमार होता कहता है कि अल्लाह शिफा अता फरमाएगा, वह इज़ा मरीज़ तो फहुवा यशफीन, अगर अकीदा इतना मजबूत है तो यकीनन ये उन असबाब में से एक सबब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आदमी को बग़ैर हिसाब व किताब के बख्श लेगा। अरशे इलाही के साए में जो सात लोग आते हैं, पिछला दर्स यही था ना, पिछला दर्स यही था कि अरशे इलाही के साए में कौन आएगा, उसमें दम ना करवाने वाला नहीं है। ये आपने कहीं से कोई इधर उधर से कोई चीज़ उठा ली है जिसमें आ गया है कि अरशे इलाही के साए में जगह मिलेगी। कहते हैं कि कब्रस्तान जाए तो कब्र के सामने हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए या नहीं, और वो कौन सी दुआ है। कब्रस्तान में जाएँ तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर मिनल मुस्लिमीन अंतुम साबिकूना व नहनु बिकुम लालाहिकून, ये दुआ करें। यहाँ खड़े होकर लंबी चौड़ी दुआएं और कुछ करें ना करें, फातिहा ज़रूर जो कहा जाता है, ये फातिहा पढ़ने की जगह नहीं है। कब्रस्तान में कुरान खानी, कब्रस्तान में नमाज़ें पढ़ना ये नहीं। आप जो मसनून दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है वो दुआ कीजिए और वापस लौट आइए। अलबत्ता आते जाते मग़फ़रत की दुआ आप अपने उस मरहूम या जो फौतशुदा है उसके लिए या सारे कब्रस्तान वालों के लिए करें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बाकायदगी से, जैसे हमारे रिवाज हैं कि अब आए हैं तो फातिहा पढ़ के जाते हैं, मज़ार पे जाएं तो फातिहा, दरबार पे जाएं तो फातिहा, कब्र पे जाएं तो फातिहा, इन किसी जगहों पर भी फातिहा नहीं है। जहाँ फातिहा थी वहाँ आपने पढ़ी नहीं। जनाजे में फातिहा है, पहली तकबीर के बाद फातिहा, वहाँ हमारे पढ़ते नहीं। और घर में भी जाके फातिहा पढ़ेंगे, कब्रस्तान में भी जाके, वहाँ है नहीं। वहाँ ताज़ियत का मौका है कि भाई अल्लाह ताला तुम्हारे भाई की मफ़रत करे, बाप की मफ़त करे, नेक आदमी था, हिम्मत करो, अल्लाह का काम है, ये अल्फाज हैं ताज़ियत। वहाँ जाके जो जाता है वो कहता है जी फातिहा पढ़ो, दूसरा आता है वो कहता है एक मरतबा और पढ़ो। उसका मतलब है कि मैं भी आया हूँ, मेरी आवाज़ भी घर वाले तक जाए, एक मरतबा और पढ़ो, वे अभी अभी तो तुम्हारे साथ मिल के वो पढ़ रहे हैं, दोनों तुम इकट्ठे आए हो, तुमने भी पढ़ ली है, अब तुम जब दोबारा पढ़वा रहे हो फातिहा, तो इसका माना क्या कि मेरी आवाज़ जाएगी, मेरा नाम भी लिखा जाएगा घर वालों के यहाँ कि वो भी आया था। औरत को मिकात पर हैज़ आ गया तो हैज़ा औरत कहाँ से हराम बांधेगी, हैज़ा औरत वहीं से गुसल करके हराम बांध ले, तलबिया कहती हुई जाए लेकिन हरम में ना जाए, बाहर कहीं जहाँ भी है वो रुकी रहे, जब हैज़ फारग हो तो फिर गुसल करे और उसी हराम से जाके वो उमरा करे या हज करे, जो भी है। एहराम बांधा जा सकता है लेकिन सिर्फ इतना कि जाते ही उमरा या हज ना करे। मैंने खाली जगह ख़रीदी है उसमें क्या ज़कात है या नहीं, खाली जगह ख़रीदी है अगर कारोबार की नीयत से ख़रीदी है, इन्वेस्ट करने के लिए ख़रीदी है तो उस पर ज़कात है, और अगर आपने अपना घर बनाने के लिए ख़रीदी है कि मैं अपना घर बनाऊँगा तो उस पर ज़कात नहीं है। कहते हैं कि
मैं आरिफ मोहम्मद मनशा, मैंने एक पाकिस्तानी के साथ काम किया और हमारा हिसाब तकरीबन कुछ अरसा पुराना है। हिसाब मुकम्मल होने के बाद उसने कहा, जो उधार तुमने मुझसे लिया हुआ है वो वापस नहीं किया, इस्लाम की रूह से इसका हल हमें बताएं। हल्फ लेना या देना गुनाह तो नहीं। हल ये मौजूद है कि जो आदमी कुछ लेना चाहता है मुद्दई गवाह पेश करे, मुद्दई या सनद लिखी हुई या ज़बानी गवाह पेश करे, और अगर सामने वाला इनकार करे कि मैंने कुछ लेना देना नहीं तो वो कसम उठाए। अल बय्यना अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकर, जो आदमी दावा करे मुद्दई प्रूफ पेश करे और जो इनकार करे वो कसम उठाए। अगर आदमी सच्चा है तो कसम उठाने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर ये शक है कि लिए होंगे याद नहीं रहा तो ऐसे में कसम नहीं उठानी चाहिए, पैसे दे देने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो कसम उठाने वाले, झूठी गवाही देने वाले औने पौने में सस्ते में मिलते हैं, वो रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। दौलत की खातर कसम उठाई, वहाँ जाते हुए एक्सीडेंट हुआ, दौलत रह गई पीछे, कसम का गुनाह जो है वो आपके खाते लिखा गया। बिलावजह कसम ना उठाएं, लेकिन अगर कसम सच्ची है, यकीन है कि मैं सच्चा हूँ, तो कसम उठाने में बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। एक शख्स वितर की नमाज इशा की नमाज के साथ अदा कर लेता है तो क्या रात को सोने से कबल वुजू करके नफल अदा कर सकता है? सुना है कि वितर की अदायगी के बाद कोई दूसरी नमाज नहीं है। अगर कोई इस तरह करता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है, वो वुजू करे तो कम अज़ कम दो रखते हैं तो तहियतुल वुजू की होंगी, वो तो किसी वक्त भी पढ़ सकता है। और अगर उसको मज़ीद तौफीक है तिलावत करे, मज़ीद कुछ नमाज पढ़ ले तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी वितर के बाद दो रखतें बैठकर पढ़ी हैं, लेकिन वो थी तहज्जुद के वक्त। उलमा ने उसको कहा कि तहज्जुद के वक्त ना सही, रात के वक्त किसी भी वक्त सही, अगर कोई कभी कभी बैठ के पढ़ लेता है तो इसकी गुंजाइश। जन्नतुल बकी कब्रस्तान की क्या अहमियत है? सुना है कि जो मुसलमान उस कब्रस्तान में दफन हो चुका या होगा उसकी मगफरत यकीनी है। अगर मुसलमान पाकिस्तान से आया, इंडिया से आया, दुनिया भर का शिर्क करते हुए आया और मदीना में आके मर गया, तो क्या ख्याल है कि यकीनी मगफरत होगी? यकीनी मगफरत इससे नहीं होती। यकीनी मगफरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता, नबी ने जनाजा पढ़ा, नबी ने अपना कुर्ता दिया कि इसको कफन के तौर पर पहना दो। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी इसके 70 जनाजे भी पढ़ोगे तो मैं नहीं बख्शूंगा। ये कुरान करीम में मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का रईस, अगर आदमी मुनाफिक है, आदमी मुशरक है खुला हुआ, उस आदमी के बारे में इस तरह के अल्फाज के यकीन, आदमी मुसलमान है, आदमी अहले तौहीद में से है, उससे गुनाह होते रहे हैं, वो मदीना मनवरा में वफात पा जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मदीना में वफात पाने बकी में दफन होने की बरकत से गुनाहों की कमी बेशी माफ़ कर देगा, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन खुला मुशरक, खुला बिदती और बहुत ही गुनाहगार, जिसने मस्जिद कभी देखी नहीं, अल्लाह ने तौफीक दे दी, मदीना काम करने आ गया, वो तो उमरे के लिए भी नहीं आया कि ज़ियारत के लिए चला गया है, काम करने के लिए मदीना आ गया, मौत आ गई, उन्होंने दफन कर दिया बकी में, नमाज कभी पढ़ी नहीं थी, रोज़ा कभी रखा नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर सिर्फ बकी में दफन होने से मिल जाती तो इसका माना ये कि निज़ाम इबादत सारा धर्म बरम हो जाए। लिहाजा इतने ज़्यादा जज्बात में आकर ये बातें नहीं लेनी चाहिए। आदमी नेक है, कमियाँ कुताहियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला यकीनन माफ़ करेगा। इशराक की नमाज की कुल कितनी रखते हैं? 2 से लेकर 8 तक, जितनी भी कोई पढ़ ले, कम अज़ कम 2 रखते हैं जो हैं वो पढ़ लेनी चाहिए। अगर 4 हैं तो क्या 2-2 पढ़ना होगा? 4, 6, 8 तक सिर्फ 2-2 ही पढ़ें, ज़्यादा 4 इकट्ठी पढ़ना, जोहर की 4 सुन्नतें जो हैं इनको एक सलाम के साथ पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाकी जितनी नवाफल नमाजें हैं उनको 2-2 करके ही पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सलातुल्लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रखते हैं, और एक रिवायत में सलातुल्लैल व नहार भी, दिन की नमाज भी 2-2 रखते हैं, लेकिन चूंकि 4 सुन्नतें जोहर की 1 सलाम के साथ पढ़ी जा सकती हैं, लिहाजा पढ़ लें और बाकी नमाजों को 2-2 करके नवाफल को पढ़ें, वही बेहतर है।
नमाज जनाजा को बुलंद आवाज से अदा किया जाना क्या दुरुस्त है? अगर बुलंद आवाज से कोई कहीं तालीम के नुक्ता नज़र से बुलंद आवाज से पढ़ता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। अगरचे ज़्यादा सही तर यही है कि जनाजा बिला आवाज़ सिर्री तौर पर, जैसे यहाँ आप देखते हैं मस्जिद नूर में पढ़ते होंगे, यहाँ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में हुआ करता था, हरमैन शरीफ़ैन में शाज़ो नादर कोई नमाज निकलती है जिसमें जनाजा ना हो। शाज़ो नादर कभी कभी ऐसा होता है और बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नमाज में कोई जनाजा नहीं, कोई मरा नहीं। नहीं तो अमूमन होता है कि जनाजा होता है, जब जनाजा पढ़ा जाता है तो उस वक़्त एक और खुशी होती है, उस आदमी के मर जाने की खुशी नहीं होती, ये खुशी होती है कि जो आदमी मर गया है इसे लाखों मुसलमानों ने अपनी दुआओं के साथ अलविदा किया है। फिर जी चाहता है कि या अल्लाह हमें मौत आए तो हमारा जनाजा भी कहीं हरम में हो, हमारी तदवीन भी कहीं मक्का और मदीना में ही हो। तो जनाजा आप देखते हैं कि वहाँ बग़ैर आवाज़ के पढ़ा जाता, फजर में हो, असर में हो, जोहर में हो, इशा में हो, मगरब में हो, बग़ैर आवाज़ के। सही तर यही है, लेकिन अगर कोई आवाज़ें बुलंद पढ़ता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा जनाजा पढ़ाया, उसमें सूरह फातिहा भी पढ़ी। किसी ने कहा कि फातिहा पढ़ी है, तो कहा ताकि तेरे जैसे को पता चल जाए, उनके अल्फाज ज़रा थोड़े सख्त हैं लेकिन वो चूँकि आपस में दोस्त साथी हैं, कहता कि तेरे जैसे को पता चल जाए कि जनाजे में फातिहा है जो हम नहीं पढ़ते। अब फातिहा पढ़ने का पता कैसे चला? अगर बुलंद आवाज़ से नहीं था तो कैसे चलता? सूरह फातिहा बुलंद आवाज से, बल्कि पूरी नमाज जनाजा बुलंद आवाज से अगर कोई पढ़ता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। सवाल 3-4 हैं और टाइम मेरा हाल 1-2 मिनट भी नहीं बचा हमारा, और अगले जुमा को मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यम्बो में होऊंगा। उसके बाद वाले जुमा में अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह इन सवालों के जवाब देंगे। यहाँ हम जमा करवा दिया है, अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم